व्यूअर्स, आज मैं आप लोगों के लिए एक ऐसी कोरियन ड्रामा को एक्सप्लेन करूंगी जो कि रोमांस, फैंटेसी, सुपरनेचुरल और कॉमेडी का मिक्सअप है। आपको इस ड्रामा में लव ट्रायंगल भी देखने को मिलेगा। ड्रामा की जो फीमेल लीड है उसका एक सीक्रेट होता है, उसके पास फ्यूचर देखने की एबिलिटी होती है। वो जब भी किसी को किस करती है तो सामने वाले का फ्यूचर उसे दिखता है, मगर इसी एबिलिटी ने उसके फ्यूचर की वॉट लगा रखी होती है। फिर एक दिन एक्सीडेंटली वो अपने बॉस जो कि सन की और खरूस टाइप का है उसे ही किस कर लेती है, और फिर वो उसके फ्यूचर में खुद को उसके साथ सोते हुए देखती है। बेचारी हैरान हो जाती है कि मैं तो अपने बॉस से इतना नफरत करती हूँ तो ऐसा क्या होगा जो मैं उसके साथ नाइट स्पेंड करने के लिए रेडी हो जाऊंगी। गाइस, वेलकम है आप लोगों का मेरे चैनल पे। अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना आप लोग भूलिएगा मत। कहानी की शुरुआत हमारी फीमेल लीड गेसुल के अजीब से सपने से होती है। सपने में एक साथ बहुत सारी चीजें हो रही होती है पर ठीक से कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है। सपने में दिखाया जाता है कि पहले एक बच्ची पानी में डूब रही है, फिर उस बच्ची की जगह येसुल पानी में है। दो लोग बेड पे साथ में सोए हुए हैं। एक ऑर्फनेज को भी दिखाया जाता है जहाँ से दो बच्चे साथ में भागते हैं। येसुल बहुत घबरा के इस सपने से जगती है एंड जब तक वो इस सपने के बारे में कुछ भी सोचती कि उसे अपना काम याद आ जाता है और वो जल्दी से ईमेल चेक करने लगती है। और फीमेल लीड को हमने देख लिया है तो उसके बारे में थोड़ी बहुत बातें कर ही लेते हैं। येसुल इस एडवर्टाइजिंग कंपनी में 5 सालों से काम कर रही है। इन 5 सालों के दरमियान वो प्रोजेक्ट मैनेजर बन गई है। 5 सालों से उस पे काम का इतना प्रेशर रहता है कि वो ठीक से सो भी नहीं पाती है और ना सोने की वजह से उसे इंसोमिनिया है। इनफैक्ट काम की वजह से बेचारी कई कई हफ्तों तक घर भी नहीं जा पाती है। येसुल अब यही ऑफिस में रेडी हो जाती है। वो देखती है कि उसके लिप पे हल्की सी स्क्रैच लगी हुई है जिसे छुपाने के लिए येसुल और थोड़ा लिपस्टिक लगा लेती है। इसके बाद वो ऑफिस के लॉबी में जाती है जहाँ उसकी फ्रेंड इमोजी जो कि दूसरे टीम की एडी है वो आती है। इस पूरे ऑफिस में अगर कोई सबसे ज्यादा फनी है तो वो ये इमोजी है। इमोजी भी काम की वजह से ठीक से नहीं सो पाई है तो उसकी हालत बहुत ही खराब हो गई है जो कि देख के लग ही रहा है। येसुल इमोजी से कहती है कि यहाँ खड़े होकर बारिश देखना बहुत ही मजेदार होगा। इस पे इमोजी कहती है कि तेरा दिमाग ठीक तो है, कहीं नींद ना लेने की वजह से तू पागल तो नहीं हो गई है? आज सनी डे है तो फिर बारिश कैसे हो सकती है? पर येसुल बोलती है कि अभी बारिश होगी, मैंने देखा है। अब येसुल 5 तक काउंटडाउन करती है और सच में जोरों की बारिश शुरू हो जाती है। बारिश होते देखकर इमोजी हैरान रह जाती है। वो येसुल से पूछती है कि अभी बारिश होने वाली है, तुझे पहले कैसे मालूम चला? येसुल बोलती है कि बस मैंने पता लगा लिया मेरे 6th sense से। इतने में मिस यून जो कि कंपनी में काम करती है वो बारिश से बचने के लिए दौड़ के आ रही होती है और लॉबी में गिर जाती है। दरअसल कुछ दिनों पहले मिस यून का बाल येसुल के लिप से टच हो गया था और उसी वक्त येसुल को मिस यून का फ्यूचर दिखा था कि बारिश से बचने के लिए मिस यून दौड़ती हुई लॉबी में आएगी और वो गिर जाएगी। तो व्यूअर्स, मैं आपको बता देती हूँ कि येसुल के लिप से जब भी किसी इंसान का कोई भी बॉडी पार्ट टच होता है तो उसे सामने वाले का फ्यूचर दिखता है, जिसे येसुल अपना 6th sense समझती है। ये तब से हो रहा है जब येसुल छोटी बच्ची थी। वो बड़ी आसानी से किसी को भी किस करके उसका फ्यूचर तो देख सकती थी, लेकिन आज तक उसने जिस किसी को भी डेट किया है किसी के फ्यूचर में उसने खुद को नहीं देखा है। वो फ्यूचर में अपने बॉयफ्रेंड को किसी और ही लड़की के साथ देख लेती है और इसी रीजन से येसुल अपसेट होकर ब्रेकअप भी कर लेती है। इनफैक्ट उसने जब अपनी मॉम को किस किया था तो उनके फ्यूचर में भी येसुल नहीं थी। फ्यूचर डे के हर्ट होने के डर से अब येसुल किसी को डेट ही नहीं करती है। वो बस हमेशा काम पे अपना ध्यान लगा के रखती है। इसके बाद हमें इस ड्रामे का लीड दिखाया जाता है जिसका नेम चाम मिनो है। ये बंदा इस कंपनी के प्लानिंग टीम का चीफ है और ये इतना खरूस है कि कंपनी के सारे एम्प्लॉय ही इससे डरते हैं। कोई भी नहीं चाहता है कि उसका पाला इस चाम मिनो से परे। इसके काम की बात करें तो ये बंदा जिस भी प्रोजेक्ट को हैंडल करता है उस प्रोजेक्ट की सक्सेस होने की गारंटी 100% होती है, इसलिए इसके खरूस नेचर के बावजूद भी लोग इसके साथ काम करना चाहते हैं। मीटिंग में चाम मिनो सबके प्रपोजल में नुक्स निकाल कर उन्हें तरह तरह के ताने मार रहा होता है। फिर वो अपने नेक पे इस तरह से टच करता है। ये देखकर यहाँ बैठी येसुल समझ जाती है कि ये सन की आदमी अब मुझे ही सुनाने वाला है, मतलब अब तानों की बारिश मुझ पे होगी। येसुल का ये अंदाजा बिल्कुल सही होता है। चामिनो नेक्स्ट नेम येसुल का लेता है और वो येसुल के प्रोजेक्ट की बेइज्जती करके उसे बहुत ही भला बुरा कहने लगता है। इवन ये तक कह देता है कि अगर तुमसे काम नहीं हो रहा है तो इस कंपनी से निकल जाओ। लेकिन येसुल भी कम नहीं है। वो 5 सालों से चामिनो के नखरों को और उसके नुक्स निकालने के तरीकों को देखती आ रही है। वो जानती थी कि चामिनो उसके प्रपोजल को एनी हाउ इस बार रिजेक्ट ही करेगा और फिर दूसरा प्रोजेक्ट बनाने को बोलेगा, इसलिए उसने
चामिनो को कोई नॉर्मल सा प्रोजेक्ट दिखा दिया था और बाद में वो उसे अपना प्लान बी वाला प्रोजेक्ट जो कि बहुत ही अच्छा है वो उसे दिखाएगी। अंदर मीटिंग रूम में यसल ने चामिनो के तानों को तो सुन लिया था, पर बाहर आकर इमोजी के सामने वो चामिनो को गालियां देकर अपना फ्रस्ट्रेशन दूर करती है और अपने टीममेट्स को जाकर बोलती है कि प्लान बी प्रोजेक्ट जो कि ऑलरेडी बन चुका है उस पे और काम करो, हम उसे ही सबमिट करेंगे। अब यसल भले ही अपने खरूस से बॉस को दिन रात गालियां क्यों ना देती हो, पर एक रियलिटी ये भी है कि आज वो जितनी भी सक्सेसफुल है उसमें सबसे बड़ा हाथ चामिनो का ही है। उसने हमेशा डांट के ताने मार के ही पर यसल को गाइड किया है। यसल इस कंपनी की यंगेस्ट प्रोजेक्ट मैनेजर बनने वाली है वो इसलिए क्योंकि चामिनो उसका मेंटर है और कहीं ना कहीं चामिनो के साथ रहते रहते यसल भी उन्हीं की तरह वर्कहोलिक बन गई है। यसल का प्रोजेक्ट रेडी हो जाता है, बस चामिनो को दिखाना बाकी होता है। यहाँ मिस्टर योम आते हैं जो कि कंपनी के प्रोडक्शन टीम के चीफ है, तो यसल उनसे भी प्रोजेक्ट एक बार चेक करने को बोलती है, बट मिस्टर योम ड्रंक होते हैं और उन्हें यसल के प्रोजेक्ट में कोई भी इंटरेस्ट नहीं होता है, इसलिए वो प्रोजेक्ट को देखने से मना कर देते हैं। मिस्टर योम ज्यादातर अपने काम से भागते रहते हैं, उन्हें रेस्पॉन्सिबिलिटी सही ढंग से निभाने आती ही नहीं है, इनका मन तो बस अयाशी करने में लगा रहता है। एज ए प्रोजेक्ट मैनेजर यसल का ये पहला प्रोजेक्ट है, वो इसे लेकर बहुत ही ज्यादा सीरियस है। प्रोजेक्ट वो चामिनो को दिखाती है तो चामिनो प्रोजेक्ट देखकर यसल को बोलता है कि ये तुम्हारा पहला प्रोजेक्ट है तो इसकी फुल रेस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हें लेनी पड़ेगी। आज चामिनो को प्रोजेक्ट में कोई कमी नहीं मिलती है तो वो अपनी आदत से लाचार होकर प्रोजेक्ट के लोगों में ही थोड़ा बहुत नुक्स निकाल देता है। फिर यसल के नोज से अचानक ही ब्लीडिंग होने लगती है तो मिन्नो उसे यहाँ से जाने बोलता है। ब्लीडिंग रोकने के लिए यसल भी भागती हुई वॉशरूम चली जाती है। चामिनो यसल के डेस्क पे रखी एनर्जी ड्रिंक्स को देखकर समझ जाता है कि यसल के नोज से ब्लीडिंग यही सब पीने की वजह से हो रही है। इसके बाद बारी आती है प्रोजेक्ट डायरेक्टर और क्लाइंट्स को दिखाने की। प्रोजेक्ट में यसल को बेड की एडवर्टाइजमेंट दिखानी थी, पर क्लाइंट्स को प्रोजेक्ट देखकर लगता है जैसे वो बेड की नहीं बल्कि किसी वॉशिंग मशीन और एसी की एडवर्टाइजमेंट देख रहे हैं, इसलिए वो यसल से कहते हैं कि एडवर्टाइजमेंट बहुत ही ऑर्डिनरी सी है, इसे देखकर लोग हमारे ब्रांड के लिए क्यूरियस नहीं होंगे। बट चामिनो उन्हें ये कहकर एडवर्टाइजमेंट पे यकीन करने को बोलता है कि हम इसके जरिए नेचर पे हाईलाइट डाल रहे हैं जो हमारी कंपनी ने पहले कभी भी नहीं किया था और मैं श्योर हूँ कि ये काफी सक्सेसफुल रहेगा। सिर्फ चामिनो के बाद पे डायरेक्टर इस प्रोजेक्ट पे अप्रूवल दे देता है। कल वीकेंड है तो यसल सारे एम्प्लॉय को घर जाकर जो मना है वो करने को बोल देती है। सब लोग बहुत खुश हो जाते हैं क्योंकि काफी दिनों से उन्हें छुट्टी नहीं मिली थी, पर अभी चामिनो आता है और कहता है कल वीकेंड पे शूटिंग लोकेशन पे पहुंच जाना, कल हमें बहुत सारा काम करना है। ये सुन के तो सारे एम्प्लॉयज का मूड एक बार फिर से सैड हो ही जाता है। यसल की नोज ब्लीडिंग के कारण चामिनो यसल को बिना बताए ही उसे हॉस्पिटल ले जाता है और रास्ते में बोलता है कि पहले अपना फिजिकल स्ट्रेंथ डेवलप करो फिर काम करना, तुम्हें अपना ख्याल तो रखना नहीं है और तुम चली हो प्रोजेक्ट मैनेजर बनने को। यहाँ का डॉक्टर यसल को पहले से जानता है क्योंकि यसल अपनी इंसोमिनिया की ट्रीटमेंट इसी से करवाती रहती है। इसका नाम सियोंगतंग है। सियोंगतंग यसल को बोलता है कि मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि तुम्हें प्रॉपर नींद लेनी पड़ेगी, अगर ऐसा ही चलता रहा तो तुम्हारी हेल्थ ठीक होने की जगह और भी खराब हो जाएगी। वो एनर्जी ड्रिंक्स तो तुम पीना छोड़ ही दो, मेरी बात मानकर तुम टाइम पे मेडिसिन लो। यसल डॉक्टर के चिल्लाने पे उसे प्रॉमिस करती है कि वो अब से एनर्जी ड्रिंक नहीं पिएगी, मगर ये मैडम यहाँ से जाने के बाद सबसे पहले यही एनर्जी ड्रिंक पीती है और ड्रिंक को देकर कहती है कि कुछ भी हो जाए मैं तुम्हें पीना नहीं छोड़ूंगी, तुम ही तो हो जो मेरी हेल्प करते हो। इतने में चामिनो भी यसल को एनर्जी ड्रिंक पीते हुए देख लेता है और ताना मारते हुए कहता है कि तुम नेक्स्ट प्रोजेक्ट का तो सोचना भी मत, तुम काम भी छोड़ ही दो। यसल कहती है कि मैं तो अपना हर काम सही से और मेहनत से कर रही हूँ तो फिर क्या दिक्कत है। चामिनो बोलता है कि तुम जब अपनी हेल्थ पे ध्यान नहीं दे सकती हो तो फिर तुमसे और चीजें मैनेज कैसे होगी। इतने में यसल का पांव फिसलता है और वो गिरने वाली होती है, वो चामिनो की ओर अपना हाथ बढ़ाती है ताकि चामिनो उसे गिरने से बचा ले, पर ये गधा उल्टा हट जाता है और यसल बुरे तरीके से गिर जाती है। उसके गिरने पे सब लोग इकट्ठा हो जाते हैं तो उनके सामने कूल बनने के लिए यसल कहती है कि मैं जानबूझकर गिरी हूं, मैं तो ये देखना चाह रही थी कि ये फ्लोर कितना अच्छा है, ये सॉफ्ट है भी कि नहीं। फिर चामिनो होने वाली एडवर्टाइजमेंट शूटिंग का लेआउट इन लोगों को समझाता है। यसल एंड इमोजी को वो शूटिंग लोकेशन पे जाकर वहाँ का सर्वे भी चेक करने को बोलता है। चामिनो हर वक्त बस सबको काम करने को ही बोलता रहता है, इसलिए सब लोग उसे परेशान हो गए हैं। वैसे इसके लिए यसल उसे मन ही मन गालियाँ देती रहती है, पीठ पीछे गाली देने में यसल कोई भी कमी नहीं छोड़ती है। नेक्स्ट डे ये दोनों लोकेशन पे काम कर रही होती है कि इमोजी अपनी बकबक शुरू कर देती है। वो यसल से बोलती है कि जरूर चामिनो तुझे लाइक करता है इसलिए तो वो तेरे पीछे पड़ा रहता है। यसल बोलती है कि तेरा दिमाग तो ठीक है, वो संगी आदमी मेरे
जान लेने के लिए मेरे पीछे पड़ा रहता है, और तू बोल रही है कि वो मुझे लाइक करेगा। उसके वजह से मेरी लाइफ हेल बन गई है, मैं बस काम ही काम करती रहती हूँ। मेरा बचले तो भूख लगने पे मैं उसे ही चबा जाऊँ। इमोजी अब कहती है कि ठीक है चामिनू, नहीं तो तू किसी और को ही डेट कर ले। तुझे इंसोमिनिया के कारण नींद भी नहीं आती है, इसलिए अब तुझे अपनी बोरिंग सी लाइफ को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए किसी के साथ बेड पे एंजॉय करने का सोचना चाहिए। रसूल कहती है कि नहीं, मुझे अपनी लाइफ में ये सब अभी नहीं करना है, मैं अभी और भी अचीवमेंट्स चाहती हूँ, मैं काम करके खुश हूँ। फिर चामिनू यसुल को कॉल करके जियोंग से मिलने को बोलता है। जियोंग एक फेमस एक्टर और मॉडल है। मिन्नू चाहता है कि कमर्शियल की शूटिंग में जियोंग ही एक्ट करे। यसुल जियोंग को शूटिंग के लिए कन्वेंस करने का ट्राई करती है। वो जियोंग की ब्यूटी की, उसकी एक्टिंग की इतनी तारीफ कर देती है कि जियोंग जो कि शूटिंग के लिए पहले मना कर रही थी वो अब रेडी हो जाती है। जियोंग को यसुल के लिपस्टिक का कलर बड़ा पसंद आता है, तो जियोंग यसुल के लिप को टच करके उसे पूछती है कि तुमने किस कलर का लिपस्टिक लगाया है। अब लिप्स को टच करते ही यसुल को जियोंग का फ्यूचर दिखने लगता है, जिसमें जियोंग कमर्शियल शूट करवा रही है। यसुल समझ जाती है कि कमर्शियल में जियोंग ही रहेगी, जिसे यसुल बहुत खुश हो जाती है एंड वो जियोंग के लिए इसी कलर के लिपस्टिक लेने चली जाती है। जैसे ही वो लिपस्टिक जियोंग को देने के लिए वापस आती है कि उसे चामिनो और जियोंग एक दूसरे के क्लोज दिखाई देते हैं। ऐसी सिचुएशन में यसुल घबरा जाती है ये सोचकर कि वो शायद गलत टाइम पे आ गई है। जल्दबाजी में वो लिपस्टिक देने को आगे बढ़ती है, बट उसका पैर फिसल जाता है और वो एक बार फिर से गिर जाती है। इस बार भी चामिनो उसे उठाने की जगह खड़ा होकर उसे गिरते देखता रहता है। यसुल उठती है और इन दोनों से माफी मांग कर नर्वसनेस में वो यहाँ से भाग जाती है। अकेले में जाकर यसुल सोचती है कि चामिनो और जियोंग जरूर एक दूसरे को डेट कर रहे हैं, तभी तो दोनों इतने क्लोज थे। वो ये बातें सोच ही रही होती है कि मिन्नो उसके पीछे पानी का बॉटल देने आ जाता है, तो यसुल उसे कहने लगती है कि बॉस आपको चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, मैंने अभी जो भी देखा है मैं वो किसी को नहीं बताऊंगी, आपका सीक्रेट सीक्रेट ही रहेगा। वैसे भी आप काफी बड़े हैं, तो आपका किसी को डेट करना या किसी को किस करना इसमें कोई भी बुराई नहीं है। चामिनो चुपचाप यसुल की बकबक सुन लेता है, और उसके बाद वो यसुल के क्लोज जाकर बोलता है कि तुम जो सोच रही हो ना वैसा कुछ भी नहीं है, तुमने जो भी देखा वो एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी, तो ज्यादा बोलो मत। चामिनो यसुल को पानी थमाता है और यहाँ से चला जाता है, बट इस वक्त यसुल के पसीने छूटने लगते हैं क्योंकि चामिनो अचानक से उसके इतने करीब जो आ गया था। रूमा एक न्यू इंटर्न है और टाइम ना मिलने के कारण उसकी वेलकम पार्टी अभी तक नहीं हो पाई है। ये लोग ऑफिस में सबके जाने के बाद ही खाने का और ड्रिंक करने का प्लान बनाते हैं। रूमा इन लोगों से पूछता है कि हम सब एक साथ हैं पर हमारे चीफ मिस्टर चा क्यों नहीं आए हैं। इस पे यसुल उसे समझाती है कि मिस्टर चामिनो कभी भी किसी के साथ खाना खाने आएंगे ये सोचना भी मत, 5 सालों में उन्होंने कभी हमारे साथ डिनर नहीं किया है। मिस्टर चामिनो और उनकी सारी चीजें नॉर्मल लोगों से काफी अलग है, वो बहुत ही अजीब टाइप के आदमी है। अब सब लोग रोमा को चामिनो का नेचर जब बताने लगते हैं तो रोमा काफी डर जाता है। एम्प्लॉयज ये भी कह देते हैं कि चामिनो के पास 6th sense है, वो लोगों के माइंड को भी रीड कर लेता है। मिस्टर योम बिंदास होकर ऐयाशी करने में हमेशा की तरह बिजी होते हैं और कल शूट है, उन्हें इसका भी कोई टेंशन नहीं होता है। वो यसुल को कहते हैं कि शूटिंग का सारा सेटअप पहले ही रेडी करवा लो ताकि कल सुबह हमें बस शूट करवाने के लिए लोकेशन पे जाना पड़े। यसुल को सेटअप पहले रेडी करवाने वाला आइडिया थोड़ा रिस्की लगता है, पर वो मिस्टर योम की बात मानकर ऐसा ही करती है। सारी चीजें फिक्स करके यसुल घर चली जाती है और अपनी कजन सिस्टर के साथ वो टाइम स्पेंड करने के बाद सो जाती है। आधी रात को उसे चामिनो का कॉल आता है। कॉल रिसीव करने से पहले ही यसुल समझ जाती है कि कुछ तो हुआ है, जो ये पागल आदमी मुझे इस वक्त कॉल कर रहा है, इसलिए वो फोन उठाने से पहले ही अपना बैग लेकर के घर से निकलने लगती है। फोन पे उसे चामिनो बोलता है कि जल्दी से शूटिंग लोकेशन पर पहुंचो क्योंकि बारिश होने वाली है, जिससे सारा सेटअप खराब हो जाएगा। यसुल जल्दी से टैक्सी लेती है और मिस्टर योम को कॉल करने लगती है, पर मिस्टर योम तो भाई हीरो ठहरे, वो अभी भी कॉल रिसीव नहीं करते हैं। लोकेशन पे यसुल पहुंचती है तो चामिनो अकेला ही सारी चीजों को बारिश से हटा रहा होता है। यसुल उसकी हेल्प करने की बात बोलती है तो वो गुस्से में चिल्लाकर कहता है कि पहले प्रोडक्शन टीम एंड डायरेक्टिंग टीम को कॉल करके यहाँ बुलाओ। कोई भी कॉल रिसीव नहीं करता है तो चामिनो यसुल को डांट करके कहने लगता है कि तुमने ये सब पहले सेटअप क्यों करवाया, किसने तुम्हें ये सब करने को बोला था। यसुल भी बोलती है कि मैंने मिस्टर योम को ऐसा करने के लिए मना किया था पर उन्होंने मेरी कोई भी बात नहीं सुनी, और फिलहाल के लिए मैं एक असिस्टेंट मैनेजर हूँ इसलिए मेरे ऑर्डर्स कोई भी सीरियस नहीं लेता है। इस पे मिन्नो रूडली कहता है कि ये सब बोलने के बजाय तुम कुछ सॉल्यूशन निकालो क्योंकि इस वक्त सॉल्यूशन ही काम आएगा, तुम्हारा ये बकबक मुझे नहीं सुनना है। यसुल भी चामिनो के साथ सामान उठा करके अंदर रखने लगती है, मगर यसुल को तो चलते फिरते गिरने की जैसे आदत ही है, तो यहाँ भी
वो चामिनो के ऊपर गिर जाती है एंड एक्सीडेंटली दोनों में किस हो जाती है। यसुल को मिन्नो के फ्यूचर में अब जो दिखता है वो यसुल के लिए बहुत ही शॉकिंग होता है। यसुल ने पहली बार कुछ ऐसा देखा था। वो देखती है कि मिन्नो के साथ वो इंटीमेट हो रही है और वो बहुत खुश भी है। पहली बार यसुल ने खुद को किसी के फ्यूचर में इतना खुश देखा था। मिन्नो यसुल से कहता है कि अभी जो भी हुआ वो एक्सीडेंटली हुआ है, तो ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है और अपने काम पे तुम ध्यान दो। यसुल तो पूरी तरह से ही ब्लैंक होती है क्योंकि उसने जो देखा था वो इम्पॉसिबल है। मतलब चामिन्नो और उसके बीच कुछ है भी नहीं। चामिन्नो जैसा रूडली आदमी जो कि प्यार से बात तक नहीं करता है, उसके साथ भला यसुल बेड पे कैसे जा सकती है। यही सब सोच के यसुल परेशान हो रही होती है कि इतने में मिन्नी रोमाइन संगुनिया आ जाते हैं। यसुल को ऐसे देखकर मिन्नी अज्यूम कर लेती है कि जरूर चामिन्नो एंड यसुल में कुछ तो हुआ है। अब क्या हुआ है इस बात का पता लगाने के लिए मिन्नी क्यूरियस हो जाती है। वो यसुल से पूछ भी लेती है पर यसुल कोई जवाब नहीं देती है उसे। फिर यसुल चामिन्नो से बात करने के लिए उसके पास चली जाती है। चामिन्नो शर्ट चेंज कर रहा होता है पर यसुल जानबूझकर उसकी ओर देखने लगती है, क्योंकि फ्यूचर में जब वो चामिन्नो के साथ बेड पे थी तो उस वक्त चामिन्नो के बैग पे एक स्कार था, लेकिन अभी यसुल उस स्कार को नहीं देखती है। यसुल को फिर लगने लगता है कि शायद उसने कोई गलत विजन देख लिया है। स्कार भी चामिन्नो के बैग पे नहीं है और सबसे इम्पोर्टेंट बात, मिन्नो जैसा खरूस आदमी जो कि यसुल को दिन रात बस डांटा रहता है, उसके साथ यसुल बेड पे कैसे जा सकती है। इसके बाद सब लोग यहाँ पहुँचते हैं और फिर शाम तक शूटिंग कम्प्लीट हो जाती है। चामिन्नो अपने घर चला जाता है क्योंकि उसकी तबीयत सही नहीं होती है। वो घर पे सोया हुआ होता है लेकिन अचानक से वो उठ जाता है। उसे मोटरसाइकिल की आवाज आ रही थी और बिल्डिंग के नीचे कोई तीन लोग अपनी बाइक ड्राइव कर रहे थे। वो इसलिए पुलिस को कॉल करके उनकी कम्प्लेन भी कर देता है। मगर स्ट्रेंज बात ये होती है कि बाइक राइडिंग की आवाज चामिन्नो को बिल्डिंग के इतने ऊपर कैसे जा रही होती है, और इतने दूर से बाइक का नंबर भी चामिन्नो देखकर पुलिस को बता देता है। फिर चामिन्नो से मिलने के लिए जियोंग आती है और उसे बीमार देखकर वो पूछने लगती है कि इस बार आपने किसे किस कर लिया है जो आपकी हालत ऐसी हो गई है। ऐसे ही आप तभी बीमार पड़ी थी जब हमारे बीच किस हुई थी। चामिन्नो कहता है कि वो किस नहीं थी, तुमने ही मुझे जबरदस्ती किस किया था। चामिन्नो जियोंग को अपने घर के अंदर आने नहीं देता है और चलाके से वो जियोंग को यहाँ से भगा देता है। यसुल अपने विजन के बारे में अपनी कजन बानो को भी बताती है, तो उसकी कजन कहती है कि तुम ठीक से नहीं सोती हो इसलिए तुम्हें ऐसा डिल्यूजन हुआ है, ये फ्यूचर नहीं हो सकता है। यसुल भी अपनी कजन की बातों पे यकीन कर लेती है और उसने जो भी फ्यूचर देखा था वो उसे भूल जाती है। अब अगले दिन ऑफिस में एक प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। डायरेक्टर को शूट हुआ कमर्शियल कुछ खास पसंद नहीं आता है। कमर्शियल बेड की थी और इसमें बेड को उतने अच्छे से शो नहीं किया गया था। शूटिंग के दौरान बेड बारिश की वजह से गीली रह गई थी, इसीलिए चामिन्नो ने आइडिया अपनाया था। डायरेक्टर के सामने कमर्शियल खराब होने का जिम्मेदार मिस्टर योम यसुल को ठहराने लगते हैं, ये कहकर कि यसुल का ये पहला प्रोजेक्ट था एज ए प्रोजेक्ट मैनेजर। बट एक बार फिर से चामिन्नो आकर सारी चीजों को हैंडल कर लेता है। दरअसल बेड की एडवर्टाइजमेंट में बेड को कम शो करना ये चामिन्नो का एक प्लान ही था। इसे लोग बेड के ब्रांड को जानने के लिए क्यूरियस होंगे और फिर बाद में एक पॉपअप स्टोर को ऑर्गेनाइज करके कस्टमर्स को ऑफलाइन बेड के ब्रांड की खासियत एक्सपीरियंस करवा दी जाएगी। चामिन्नो ने ये प्लान पहले से ही बना रखा था क्योंकि वो जानता था कि यसुल का ये पहला प्रोजेक्ट है, तो उसे गलतियाँ हो सकती है। अब सारा आइडिया तो मिन्नो का था, लेकिन वो इसका क्रेडिट यसुल को दे देता है। यसुल को भी रियलाइज होता है कि अगर चामिन्नो नहीं होता तो फिर यसुल का ये पहला प्रोजेक्ट फेल हो जाता। इसके बाद प्लानिंग टीम एंड प्रोडक्शन टीम मिलकर पॉपअप स्टोर प्रिपेयर करते हैं। सब लोग काफी मेहनत कर रहे होते हैं, मगर इसी बीच इमोजी बेड देखकर उस पे अपने बॉयफ्रेंड के साथ सोने के सपने देखने लगती है। वो काम करते करते बेड पे अश्लील हरकतें भी इमेजिन करने लगती है, जिसे मिस्टर योम भी देखते हैं और वो इमोजी को इस सब के लिए काफी डांट के काम पे ध्यान देने के लिए बोलते हैं। मिन्नो को पॉपअप स्टोर का डिजाइन काफी अच्छा लगता है, तो वो यसुल की तारीफ कर देता है कि तुमने पहले कभी भी इतना अच्छा काम नहीं किया था, पर इस बार तुम्हारी मेहनत दिख रही है। अब चामिन्नो के मुंह से कॉम्प्लीमेंट सुनकर यसुल बहुत ही खुश हो जाती है। इधर जियोंग बीमार होने का बहाना लेकर सियोंग तक के पास चेकअप करवाने को पहुंच जाती है। असल में वो जानना चाहती है कि चामिन्नो को किसने किया है, और क्योंकि सियोंग तक चामिन्नो का फ्रेंड है तो इस बात की खबर उसे जरूर होगी। जियोंग अपनी बातों से सियोंग तक का काफी दिमाग खराब कर रही होती है, इसलिए सियोंग तक उसे यहाँ से भगा देता है और चामिन्नो को कॉल करके बोलता है कि जियोंग को मेरे पास आने से मना करो, वो यहाँ आकर मेरा दिमाग खाती रहती है। अगले दिन पॉपअप स्टोर ऑर्गेनाइज हो जाता है जिसमें बहुत सारी कस्टमर्स आते हैं, और इस पॉपअप स्टोर की वजह से ही बेड की रेटिंग ऑनलाइन बढ़ जाती है। लोग बेड को बहुत ही पसंद करते हैं।
चामिनो का कहने वे पॉपअप स्टोर की प्रमोशन के लिए जियोंग भैया आती है। वैसे चामिनो जहाँ रहेगा वहाँ जियोंग नहीं जाए ऐसा हो ही नहीं सकता है। फिर अचानक से चामिनो को कोई स्मेल आने लगती है जो कि किसी और को नहीं आ रही थी। चामिनो यसन को एयर फ्रेशनर ऑन करवाने को कहता है। फिर चामिनो को सपोर्टिंग स्टैंड में भी कुछ गड़बड़ दिखती है तो वो उसे भी एक बार चेक करने को बोलता है। यसन को लगता है कि ये सब बस चामिनो की नौटंकी है, वो जानबूझकर उसे परेशान करने के लिए ये सब कर रहा है। इसलिए चामिनो के जाने के बाद वो इमोजी के साथ मिलकर चामिनो को एक बार फिर से गालियां दिए जा रही होती है। बट गाली देते हुए जियोंग सुन लेती है और बाद में वो अच्छे से यसन की क्लास लेती है। वो बोलती है कि जो लोग सामने में अच्छे बनते हैं और पीठ पीछे गाली देते हैं ऐसे लोग मुझे पसंद नहीं है। मैं ऐसे लोगों की कंप्लेन पुलिस से कर देती हूँ। जिसके बाद तो यसन को डर लग जाता है। वो डर के मारे जियोंग के सामने चामिनो की तारीफ करने का दिखावा करने लगती है ताकि किसी तरह से जियोंग बस उसे माफ कर दे। पर ये जियोंग यसन को परेशान करने के लिए उसे चार अलग अलग फ्लेवर की कॉफी मंगवाने को भेज देती है। यसन बड़ी मेहनत से लंबे लाइन में खड़े होकर कॉफी ले आती है बट ये जियोंग कॉफी बिना पिए ही यहाँ से चली जाती है। फिर यसन स्टोर आती है तो देखती है कि एक होमलेस आदमी यहाँ सीन क्रिएट कर रहा है, इवेंट को खराब कर रहा है। वो बेड के पास से हट ही नहीं रहा होता है और उसी की बॉडी से बहुत बदबू भी आ रही होती है, जिसे यसन समझ आती है कि चामिनो इसी स्मेल की बात कर रहा था। उस आदमी को यसन कॉफी देती है ताकि किसी तरह से वो बंदा यहाँ से चला जाए। पर ये आदमी कॉफी फेंक देता है। यसन इसे कहती है कि प्लीज आप यहाँ से चले जाइए। बट ये सपोर्टिंग स्टैंड को पकड़ के उसे जोर जोर से खींचने लगता है, जिसे सपोर्टिंग स्टैंड टूट जाती है और यसन नीचे गिरने वाली होती है कि तभी चामिनो आकर उसे बचा लेता है। चामिनो के बैक में चोट लग जाती है तो यसन उसे हॉस्पिटल ले जाती है। हॉस्पिटल में सियांगतंग चामिनो के लिए वरीड हो जाता है और वो उसे कहने लगता है कि मैंने कितनी बार तुम्हें बोला है कि ज्यादा पिल्स मत लिया करो। पर चामिनो सियांगतंग को इशारे से कहता है कि पिल्स के बारे में यसन के सामने कुछ भी मत बोलो। यसन देखती है कि चामिनो के बैक पे ठीक वैसी ही चोट लगी है जिसका स्कार उसने विजन में देखा था। वो समझ जाती है कि उसने चामिनो के फ्यूचर में जो भी कुछ देखा था वो सही ही होगा। इसके बाद चामिनो घर जा रहा होता है तो सियांगतंग उसे ऐसी हालत में ड्राइव करने से मना कर देता है और यसन से कहता है कि तुम ही इसे आज घर छोड़ दो। चामिनो घर जाते वक्त कार में सो जाता है और जब यसन घर पहुंचने पे उसे जगाती है तो वो नींद से भी नहीं जागता है। डोर लॉक सियांगतंग ने यसन को पहले ही बता दिया था। किसी तरह से यसन चामिनो को उसके अपार्टमेंट पहुंचा देती है। वो देखती है कि चामिनो के रूम में बहुत सारी मेडिसिन पड़ी हुई है। यसन थोड़ी थक सी गई थी तो वो पानी पीने के लिए किचन में जाती है मगर फ्रिज में पानी की बॉटल्स के अलावा कुछ और नहीं रखा होता है। चामिनो का घर भी बहुत खाली खाली सा होता है। एक दो फर्नीचर को छोड़कर यहाँ कुछ भी सामान नहीं था। ये सब देखकर यसन को थोड़ा अजीब लगता है। यसन नोटिस करती है कि उसने जो फ्यूचर देखा था उसमें भी इसी जगह पे चामिनो और वो किस करते हैं और इसी तरह किस करते करते वो दोनों बेडरूम में चले जाते हैं। किस करते वक्त सामने रखा प्लांट टूट गया था। यसन सब देखकर फिर से सोच में पड़ जाती है कि क्या सच में मैं इस आदमी के साथ नाइट स्पेंड करूंगी। फ्यूचर के विजन को एक बार और चेक करने के लिए यसन चामिनो को किस करने का डिसाइड कर लेती है और वो उसके करीब भी चली जाती है कि इतने में चामिनो की आंख खुलती है और वो यसन को अपने इतने करीब देख लेता है। वो यसन से पूछता है कि तुम मेरे इतने करीब क्यों आई हो, आगे तुम करना क्या चाह रही हो। इसी सीन के साथ ये पार्ट खत्म हो जाती है। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। और व्यूअर्स अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी, इस ड्रामा की स्टोरी अच्छी लगी हो तो आप लोग कमेंट में बता सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।